मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ममता, कथावाचक सोनम। बाबू राम रक्षा दास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशाली खत्री थे। बहुत ही ठाट बाट से रहने वाले, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आते थे। वे आए हुओं का आदर सत्कार ऐसे अच्छे ढंग से करते कि इस बात की धूम सारे मोहल्ले में थी। नित्य उनके दरवाजे पर किसी न किसी बहाने से ईष्ट मित्र एकत्र हो जाते, टेनिस खेलते, ताश उड़ता, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी से हृदय प्रफुल्लित करते। अधिक और क्या चाहिए? जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटी बात नहीं है। नीची जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक सोसाइटी थी। बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण करते थे। जब उनका बूढ़ा कहार बीमार हुआ और क्रिश्चियन मिशन के डॉक्टरों ने उसकी शुश्रूषा की, जब उसकी विधवा स्त्री ने निर्वाह की कोई आशा न देखकर क्रिश्चियन समाज का आश्रय लिया, तब इन दोनों अवसरों पर बाबू साहब ने शोक के रेजुलेशन पास किए। संसार जानता है कि सेक्रेटरी का काम सभाएं करना और रेजुलेशन बनाना है, इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध न था। वे सामाजिक कुप्रथाओं तथा अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जब मोहल्ले में चमार और कहार शराब से मतवाले होकर फाग गाते और डफ बजाते हुए निकलते, तो उन्हें बड़ा शोक होता। जाति की इस मूर्खता पर उनकी आंखों में आंसू भर आते और वो प्रातः इस कुरीति का निवारण अपने हंटर से किया करते। उनके हंटर में जाति हितैषिता की उमंग उनकी वक्रता से भी अधिक थी। ये उन्हीं के प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन मुहर्रम का सा शोक फैल गया। इधर उनके दरवाजे पर हजारों स्त्रियां और पुरुष दुखड़ा रो रही थी। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदारशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उस पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश ना था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, ये सच्ची देश हितैषिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सम्मान करने में हम अद्वितीय हैं। हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हम सब कुछ खो बैठे हैं, किंतु जिस दिन हम में ये गुण भी शेष ना रहेगा, वो दिन हिंदू जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन होगा। मिस्टर राम रक्षा जातीय आवश्यकताओं से भी बेपरवाह न थे। वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूपेण योग देते थे। यहां तक कि प्रतिवर्ष दो, बल्कि कभी कभी तीन वक्रताएं अवश्य तैयार कर लेते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सर्वांग सुंदर होती थी। उपस्थित जन और ईष्ट मित्र उनके एक एक शब्द पर प्रशंसा सूचक शब्दों की ध्वनि प्रकट करते, तालियां बजाते। यहां तक कि बाबू साहब को व्याख्यान का क्रम स्थिर रखना कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते और आश्चर्यचकित होकर कहते, तेरी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब के जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सदुद्योग में भाग लिया था तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी। इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना और कुढ़ाना सास की आदत है, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे कि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के ऐसे उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वह दिल्ली छोड़कर अयोध्या जा रही, तब से वहीं रहती हैं। बाबू साहब कभी कभी मिसेज रामरक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाया करते थे, किंतु वह दिल्ली आने का कभी नाम नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में देर हो जाती तो विवश होकर समाचार पूछ देती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वो हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में साढ़ू होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान करने वाले तथा गाय को अपने हाथों से झाड़ने पोछने वाले। उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव न मिलता था, परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मंगा लिया करते थे। आपस का मामला था, केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था। न कोई दस्तावेज, न स्टाम्प, न साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई। वो वहां से आया,
घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया गया। उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे करके कोई 20,000 का मामला हो गया। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे उसके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए और सेठ जी तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग ही का अधिक रहा, तो गिरधारी लाल को संदेह हुआ। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो बहुत अच्छा हो। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र दिखलाए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। बोले, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, जल्दी क्या है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया। वो रुष्ट होकर बोले, आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है। 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कल मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे। वो राम रक्षा के कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बढ़ा हुआ, चाहूँ तो ऐसों को नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पर आऊँ और आदर सत्कार की जगह उल्टे ऐसा रूखा बरताऊँ। वो हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा न रहे, किंतु क्या मैं पान, इलायची, इत्र आदि से भी सम्मान करने की योग्य नहीं। वो तिनक कर बोले, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने अकड़ कर उत्तर दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशाल हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी और हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में आने का ध्यान जाता रहा। वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे, फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुला ला। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट देखा। किंतु ज्यो ज्यो इस घाटी में उतरते गए, त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला, कुछ हाथ ना आया। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया में पड़ा हुआ था। कई ग्राहकों की दुकानें टूट गई और उन पर जो नकद रुपया बकाया था वो भी डूब गया। कलकत्ते के आढ़तियों से जो माल मंगाया था, रुपये चुकाने की तिथि सिर पर आ पहुंची और यहाँ रुपया वसूल ना हुआ। दुकानों का ये हाल, बैंकों का इससे भी बुरा हाल। रात भर वो इन्हीं चिंताओं में करवटें बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए? गिरधारी लाल सज्जन पुरुष है, यदि सारा हाल उन्हें सुना दूं तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कष्टप्रद कार्य होगा कैसे? ज्यों ज्यों प्रातःकाल समीप आता था, त्यों त्यों उनका दिल बैठा जाता था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के सन्निकट आने पर होती है, यही हाल इस समय राम रक्षा का था। वो पलंग से न उठे, मुँह हाथ भी न धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख बढ़ने का कोई साथी नहीं होता, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ न उठाना पड़े, इस ख्याल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गया और उनकी दशा ज्यों की त्यों हो रही, तो उनका छोटा लड़का बुलाने आया। उसने बाप का हाथ पकड़कर कहा, लाला जी, आज दाने त्यों नहीं तलते। राम रक्षा, भूख नहीं है। क्या खाया है? मन की मिठाई। और क्या खाया है? मार। किसने मारा है? गिरधारी लाल ने। लड़का रोता हुआ घर में गया और इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। अंत में तश्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसकी चोट पर मरहम का काम किया। रोगी को जब जीने की आशा नहीं रहती तो औषधि छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस गुत्थी को न सुलझा सके तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठ जी के यहाँ पहुंचे और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी घबरा कर बोले, क्यों? राम रक्षा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आपका रुपया चाहे जैसे वसूल कर लें। ये आप कैसी बातें कहते हैं? बहुत सच्ची। दुकानें नहीं हैं? दुकानें आप मुफ्त में ले जाइए। बैंक के हिस्से? वो तो कब के उड़ गए। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते। मैं आपके यहां उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूं। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहां से चल दिए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी।
20,000 मूल, 5,000 ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ा, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिकी, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम ना खड़ी हो सकी, सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी रह गए, मान बढ़ाई धन दौलत सभी मिट्टी में मिल गए। बहुत तेज दौड़ने वाला मनुष्य प्रायः मुंह के बल गिर पड़ता है। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के मेंबरों का चुनाव आरंभ हुआ। इस पद के अभिलाषी वोटरों की मुंहजोरी करने लगे, दलालों के भाग्य उदय हुए, सम्मति और मोतियों की तोल बिकने लगी। उम्मीदवार मेंबरों के सहायक अपने अपने मुवक्किलों के गुणगान करने लगे, चारों ओर चहल पहल मच गई। एक वकील महाशय ने भरी सभा में मुवक्किल साहब के विषय में कहा, मैं जिस बुजुर्ग का पैरोकार हूँ वो कोई मामूली आदमी नहीं है, ये वो शख्स है जिसने फर्जंद अकबर की शादी में 25,000 रुपया सिर्फ रक्स व सरूर में सर्फ कर दिया था। उपस्थित जनों में प्रशंसा की उच्च ध्वनि हुई। एक दूसरे महाशय ने अपने मोहल्ले के वोटरों के सम्मुख मुवक्किल की प्रशंसा यूं की, मैं ये नहीं कह सकता कि आप सेठ गिरधारी लाल को अपना मेंबर बनाइए, अपना भला बुरा स्वयं समझते हैं, और ये भी नहीं कि सेठ जी मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूखे हों। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे मेंबर बनाएं, पहले उसके गुण दोषों का भली भांति परिचय ले लें। दिल्ली में केवल एक मनुष्य है जो गत वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है, केवल एक आदमी जिसने पानी पहुंचाने और स्वच्छता प्रबंधों में हार्दिक धर्म भाव से सहायता दी है, केवल एक पुरुष है जिसको श्रीमान वायसराय के दरबार में कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त है, और आप सब उस महाशय को जानते हैं। उपस्थित जनों ने तालियां बजाई। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमत्ता और मृदु भाषण से मुंशी जी साहब की सेवा करनी प्रारंभ की। सेठ जी को परास्त करने का यह अपूर्व अवसर हाथ आया। वो रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत अच्छा पड़ता। एक बार अपनी असाधारण श्रद्धा उमंग में आकर कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में न मिल सकेगा। ये वो आदमी है जिसकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जातीय और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जातीय चाकरी और ही चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता हो, इस सेवा के कदापि योग्य नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अन्योक्तिपूर्ण भाषण का हाल सुनकर क्रोध से आग बबूला हो गए। मैं बेईमान हूँ, ब्याज का धन खाने वाला हूँ, विषयी हूँ। कुशल हुई जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अभी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूँ। खुशामदियों ने आग पर तेल डाला। इधर राम रक्षा अपने कार में तत्पर रहे, यहाँ तक कि वोटिंग डे आ पहुंचा। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। आज वो प्रसन्न थे। आज गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको जान पड़ेगा कि धन संसार के सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं कर सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी, आंख न मिला सकेगा, शायद फिर मुझे मुंह न दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंचे। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद वोटिंग आरंभ हुआ। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया। सेठ जी की हार हो गई, फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने हर्ष के आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना मेरु को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा को जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई। उनका रंग फीका पड़ गया, खेद और लज्जा की मूर्ति बने हुए थे। एक वकील साहब ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, सेठ जी, मुझे आपकी हार का बहुत बड़ा शोक है। मैं जानता कि खुशी के बदले रंज होगा तो कभी यहाँ ना आता। मैं तो केवल आपके ख्याल से यहाँ आया था। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों में आंसू डबडबा ही गए। वो निष्प्रभ बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करके बोले, वकील साहब, मुझे इसकी कुछ चिंता नहीं। कौन रियासत निकल गई है? व्यर्थ उलझन, चिंता तथा झंझट रहती थी। चलो अच्छा हुआ गला छूटा। अपने काम में हरा जोता था,
सत्य कहता हूँ, मुझे तो हृदय से प्रसन्नता हुई है। ये काम तो बेकाम वालों के लिए है, घर ना बैठे रहे यहीं बेगार की। मेरी मूर्खता थी कि मैं इतने दिनों तक आंखें बंद किए बैठा रहा। परंतु सेठ जी की मुखाकृति ने इन विचारों का प्रमाण न दिया। मुखमंडल हृदय का दर्पण है, इसका निश्चय अलबत्ता हो गया। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा न लूटने पाए और न सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सभा विसर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंग में ऐंठते, मूंछ पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उनकी गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। अब की बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर जाने की और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो न बजाई, परंतु मुस्कुराकर मुंह फेर लिया, रंग में भंग पड़ गया। आज इस विषय के उपलक्ष में मुंशी फैजुल रहमान ने पहले से ही एक बड़े समारोह के साथ गार्डन पार्टी की तैयारियां की थी। मिस्टर राम रक्षा इसके प्रबंधकर्ता थे। आज की आफ्टर डिनर स्पीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी, किंतु इस वारंट ने सारी कामनाओं का सत्यानाश कर दिया। यूं तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी ना था जो 10,000 रुपए जमानत दे देता। आधा कर देने का तो जिक्र ही क्या, किंतु कदाचित ऐसा होता भी तो सेठ जी अपने को भाग्यहीन समझते। 10,000 रुपए और म्यूनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठित मेंबरी खोकर इन्हें इस समय यह हर्ष हुआ। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश में आई तो रोने लगी, और रोने से छुट्टी मिली तो उसने गिरधारी लाल को कोसना आरम्भ किया। देवी देवता मानने लगी, उन्हें रिश्वतें देने पर तैयार हुई कि ये गिरधारी लाल को किसी प्रकार निगल जाए। इस बड़े भारी काम में वो गंगा और यमुना से सहायता मांग रही थी। प्लेग और विसूचिका की खुशामदें कर रही थी कि ये दोनों मिलकर उस गिरधारी लाल को हड़प ले जाएं। किंतु गिरधारी लाल का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। बहुत अच्छा हुआ तुम इसी पूजा के देवता थे। क्या आप दावतें न खिलाओगे? मैंने तुम्हें कितना समझाया, रोई रूठी बिगड़ी, किंतु तुमने एक भी ना सुनी। गिरधारी लाल ने बहुत अच्छा किया, तुम्हें शिक्षा तो मिल गई, किंतु तुम्हारा भी दोष नहीं। ये सब आग मैंने ही लगाई। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पांव ही नहीं उठते थे, बिना जड़ाऊ कड़ों के मुझे नींद ही ना आती थी। सेज गाड़ी मेरे ही लिए मंगवाई थी, अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेम साहब को मैंने ही रखा, ये सब कांटे मैंने ही बोए हैं। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवटें बदलने के बाद वो सवेरे उठी तो उनके विचार चारों ओर से ठोकर खाकर केवल एक केंद्र पर जम गए। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है, मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं हुआ, इतना भी निर्दयी कसाई न देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया और क्रोधाग्नि को दहलाकर प्रबल कर दिया। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हठ किया तो उस पर बरस पड़ी। महरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी, उसके पीछे पड़ गई, मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ और इस चुड़ैल को रोटियों की धुन है। निदान 9 बजे उससे न रहा गया। उसने ये पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी की। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा दोनों का रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो, मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिल जाएगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वंश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग हो गए। यद्यपि क्षुद्र हृदय मनुष्य न थे, परंतु क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। ये ध्यान न रहा कि ये एक दुखिनी की क्रंदन ध्वनि है, एक सताई हुई स्त्री की मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आई। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। इसके 3रे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने पूछा, कौन स्त्री है? मेहरा ने कहा, सरकार, मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुस, रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारणतः सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो। ईश्वरीय उपासना में सामाजिक बाधाओं को घुसने नहीं देते,
किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वो नौकर से बोले, उन्हें बुला लाओ। जब वो स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए उठकर खड़े हुए। तत्पश्चात अत्यंत कोमल वचनों के कारुणिक शब्दों से बोले, माता कहाँ से आना हुआ? और जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई है तो आपने उसे फिर से दंडवत किया और चीनी तथा मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या जी से आ रही हैं। उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बना। वे बोले, अच्छा तो आपका मकान इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे किए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति से तैयार हूँ। यहाँ सेठ साहूकारों ने मुझे बहुत बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। उसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं है कि जहाँ वे लोग लाभ का ध्यान रखते हैं वहां मैं भलाई पर रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है तो विश्वास मानो मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके टूटे दिल का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में न फंस जाए, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा ये सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज, किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है। आपसे तो घर का मामला है, मेरे योग्य जो कुछ काम है उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूँ। वृद्ध स्त्री, मेरा काम आपसे ही हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूँ, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता। कहिए कहिए, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुख का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे गिर पड़े। वो बोले, उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा। तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार न करोगे बेटा? ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। तुम मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीजा, पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही उन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। वो बोले, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है, यदि उन्होंने मुझे छेड़ा ना होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अभी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने मेरे पास जो पत्र भेजा है उसे देखकर शरीर में आग लग जाती है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बेटा उस स्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है, उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जबान उसके वश में नहीं, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे भुला दो, तुम्हारा देश देश में नाम है, ये नेकी तुम्हारे नाम को और फैला देगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा, तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्य को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी, सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी, और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वो उसकी बात कभी न टालेंगे। सेठ जी के हृदय में गुदगुदी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त कर जाए जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय किए, हजारों खुशामदें की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इस विचार को प्रकट करने से क्या लाभ? उन्होंने कहा, माता मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं है। बड़ों ने कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे तो आपकी बात का ख्याल है।
पद्मी मिले तो लेने से इनकार नहीं, न मिले तो तृष्णा नहीं। परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपए आते हैं। राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है, उसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो, तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना देना। जब तक तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी है। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। राम रक्षा अच्छी तरह रहे, उससे अधिक मुझे और कुछ न चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के इस अथाह प्रेम ने सेठ जी को विह्वल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढरक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की एक लहर सी उठी, उनकी आंखें डबडबा आईं। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार के इस उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वो पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता ये अपनी किताब लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो, राम रक्षा का नाम वहीं से उड़ा देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष उपरांत टाउन हॉल में फिर एक बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। लैंड्स, फिटन और मोटरों से सारा हाथा भरा हुआ था। एकाएक मुश्ती घोड़ों की एक फिटन ने हाथे में प्रवेश किया। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराता हुआ उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वो अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उन्हें मैनेजिंग प्रोप्राइटर समझना चाहिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी हैं, वो बहुत उत्सुकता से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे फिर मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ा हुआ था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं और दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था, संसार की एक बहुत ही अमूल्य वस्तु समझते हैं। और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जब लड़का पैदा हुआ था, मिसेज राम रक्षा ने अपना स्वर्ण कंकड़ धाय को उपहार दिया था, मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी ना हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती हैं और अपनी पुत्र वधु की सूरत नहीं देखना चाहती। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ममता, कथावाचक